लंका प्रीमियर लीग में आज के दो मैचों में से एक ही पूरा हो पाया। दाम्बुला जॉइंट्स और गाले ग्लेडियर्स के बीच मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गया, ये मैच रद्द करना पड़ा। दूसरे मैच में जाफना किंग्स ने कोलंबो स्टार्स की टीम को 93 रनों से पराजित किया। टूर्नामेंट का 8वां मुकाबला दाम्बुला और गाले के बीच खेला जाना था, ऐसे में बारिश ने इस मैच को अपने चपेट में ले लिया। लगातार बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा। हालांकि इससे पहले कई बार निरीक्षण करके देखा गया है, लेकिन अंत में कोई संभावना नहीं होने के कारण मुकाबला रद्द कर दिया गया। इसके बाद दूसरा मैच 18-18 ओवर का किया गया। इसमें कोलंबो स्टार्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और जाफना किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि जाफना ने शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवा दिए, जिसके बाद कोहलर कैडमोर शोएब मलिक ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय भागीदारी की। कोहलर 21 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए। उधर मलिक ने भी 24 गेंद में धुआंधार 44 रन बनाए। इसके बाद अश्विन भंडारा और थीसारा परेरा ने मोर्चा संभालते हुए तेजी से बैटिंग की। भंडारा ने 30 गेंद में 42 रन बनाए। परेरा 23 गेंद में 57 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम का स्कोर 18 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन तक पहुंचा दिया। कोलंबो के लिए प्रसन्ना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में खेलते हुए कोलंबो की टीम ने शुरुआत से ही विकेट गवाए और अंत तक ये सिलसिला चलता रहा। अशांत प्रियंजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, वो 35 रन बनाने में सफल रहे। दिनेश चांडीमल ने भी 28 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज फ्लॉप रहे और टीम 16वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई। जाफना के लिए हसारंगा और तीक्ष्णा ने 4-4 विकेट झटके। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए माय स्पोर्ट्स टाइम्स के साथ।